नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सुषमा आर्ट जंक्शन में। आज हम सीखने जा रहे हैं रेजिन वॉल क्लॉक, ओशियन थीम वाला। उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, रिक्वायर्ड मटेरियल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रही हूँ। ये पीवीसी पैनल है जिस पे हम वॉल क्लॉक बनाने वाले हैं। ये मेजरिंग मशीन, ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्टिक्स, ग्लासेस, ओशन थीम कलर्स, रेजिन अल्ट्रा क्लियर ऑल पर्पस हैक्सन का, ये सैंड्स है जो हम उसके ऊपर यूज करेंगे, कुछ शंख शिंपले हैं, लाइटर, देन टॉर्च एंड हॉट गन। इतना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड रहेगा अगर आपको वॉल क्लॉक बनाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये ओशन थीम के कलर से ये पर्शियन ब्लू है, ये येलो ऑकर है, ये एक्वा ब्लू है एंड ये है वाइट। अब क्या करेंगे हम, पहले जो रेस्ट करने रखा था रेजिन इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे ब्लू हमें ज़्यादा लगने वाला है तो मैं ब्लू का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखूँगी। अच्छे से मिक्स करना है।
एक मैं आपको थोड़ा सा रेती डाल के लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करो। देखो रेजिन बस 15 मिनट का ही खेल है, आपको 15 मिनट में पूरा आर्टवर्क रेडी करना है आपको, अगर आप कर रहे हो ये एज पर माय इंस्ट्रक्शंस। तो रेजिन का लाइफ 15 से 20 मिनट होता है, उसके बाद वो टाइट होना शुरू हो जाता है। पे हम ये रेती वाला रेजिन डाल के ले लेते हैं। इसके बाद ये डार्क वाला लेंगे। हॉट गन का यूज करके हम इसको इवन करेंगे। अब आपको व्हाइट कलर लेना है। थोड़ा स्टिक के थिन थिन लाइंस लेने हैं आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे वेव्स दिखानी है। या तो फिर इसको सीधे ऐसे थोड़ा सा मोड़ लो और एक थिक थिन सी लाइन डाल दो, ये ज्यादा बेटर है।
थोड़ा ग्लू गन से। वेट कर लीजिए, आने लग गए। सी द रिजल्ट। That's it. अब आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मोटी सैंड भी डाल देती हूँ, तो नेचुरल रिजल्ट रहेगा। ये मैंने गुहागर गई थी तो तब मैंने ये सैंड समंदर से लाई थी, नेचुरल लुक देती है आपको। अगर कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट करना है तो बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे रहता है। मैं थोड़ा क्लोज व्यू देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये ही रिजल्ट्स के लिए आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। तो थोड़ा टॉर्च का भी एक दिखा देती हूँ मैं। थोड़ा सा बर्न कर लिया, सो ये जल्दी से जहाँ जहाँ अभी मैंने इसको बर्न किया है वहाँ पे सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो नेचुरली वेव आ रहा है ऐसे लगता है। चलो कल मिलते हैं हम सुबह, देखते हैं इसको कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।